नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर रहे और जिसके बाद वो सीधा देहरादून के आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे, जहां सीएम धामी ने प्रदेश में बारिश से हुए नुकसान और मौसम विभाग ने के भारी बारिश का पूर्वानुमान का जायजा लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को अलर्ट और आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। तो सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से वापस लौटने के बाद सीएम धामी सीधा आपदा प्रबंधन केंद्र में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। देखिए, इस बार मानसून और अतिवृष्टि के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की स्थिति है और बहुत बड़ा नुकसान जगह जगह पर हुआ है। वो चाहे फसलों के रूप में हो, मकानों के रूप में, सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, पानी की लाइनें, जन हानि, पशु हानि, ये सब बड़ी उसमें हुआ है। सभी चूंकि अभी भी मानसून सक्रिय है और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है, लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग से, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। क्योंकि अभी तक का ये है कि आपदा जहाँ भी आई है, हमारे प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसटीआरएफ, सभी ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर जाकर लोगों के लिए सहायता करने का काम किया है और त्वरित रूप से सहायता की है। येलो अलर्ट है, कल उसी 7 जिलों में रेड अलर्ट है, उसी तरह से 25 तारीख तक की हमें हमारे पास फोरकास्ट आई है। इसके तहत दृष्टिगत हमारी जो टीमें हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तैनात है, जो हम रेस्क्यू के लिए जो चाहिए इक्विपमेंट्स, जो मशीनें चाहिए, हेलीकॉप्टर है, वो अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर उनको रखा गया है। और इस बार मैं कहना चाहूँगा कि कहीं भी कोई हादसा हुआ है तो हमारी टीम त्वरित गति से बिना कोई डिले रेस्क्यू का काम किया है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी हर स्तर से जनता के बीच पहुंचने की कवायद में जुटी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बागेश्वर में चुनावी कमान संभालेंगे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 25 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शक्ति केंद्र तक जाएंगे। सभी नेता गांव-गांव और बूथ स्तर तक संपर्क करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश प्रभारी के कार्यक्रम आ गए हैं और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां लग चुके हैं, हमारे जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं सौरभ भगवाना जी लगातार उस स्थान पर हैं। कल कुछ लोगों की ज्वाइनिंग की और जानकारी प्राप्त हुई है। हम मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम वहाँ निर्धारित होगा, तो आज मुख्यमंत्री दिल्ली से आ गए, उनसे चर्चा के बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम भी दिल्ली से आ जाएगा। कल हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी का कार्यक्रम को मिल गया है, उनको हम लगाने वाले। हमारे सभी पूरी जो स्टाफ प्रतारक सोची है उनको हमने शक्ति केंद्र स्तर तक भी जाने कर प्रत्येक गांव में संपर्क के कार्यक्रम तय किए हैं। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चौथा हासिल होंगे। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ठ, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए, कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। बागेश्वर से कैबिनेट मंत्री रहे चंदन राम दास की आकाश में निधन के बाद आगामी 5 तारीख को बागेश्वर में उपचुनाव होना है, तो वहीं 8 तारीख को मतगणना की जाएगी। वही जनता टीवी की टीम लगातार बागेश्वर में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। इस दौरान उत्तराखंड के स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा ने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुन पाते हैं। उत्तराखंड में बागेश्वर सीट पर उपचुनाव की गतिविधि लगातार बढ़ती जा रही है, सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने
उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतारे हैं बसंत कुमार को। बसंत कुमार का ये तीसरा चुनाव है। इससे पहले दो चुनाव 17 में BSP से और 22 में आम आदमी पार्टी से लड़ चुके हैं और लगातार दो बार तीसरे नंबर पर रहे हैं। लेकिन बसंत कुमार ने इस बार कांग्रेस को ज्वाइन करते हुए कांग्रेस की तरफ से पारी खेलने का मन बनाया है। कांग्रेस ने भी ये मन बनाया है। तो आइए बसंत कुमार से बात करते हैं। और सबसे पहला सवाल बसंत जी ये बनता है कि बागेश्वर की जनता से क्या उम्मीद कर बैठे हुए हैं? देखिए, बागेश्वर की जनता से हमने आज से नहीं, जब से बागेश्वर में रह रहे हैं, बागेश्वर की जनता के साथ हमारा जो लगाव है पारिवारिक, प्रत्येक जो बागेश्वर पूरे जिले की, मैं केवल विधानसभा की बात नहीं करूंगा, पूरे जिले के लोगों से हमारा स्नेह प्यार बहुत अच्छा है। और मेरी उम्मीद है इस समय कि हमेशा मैं बागेश्वर की विधानसभा से 2017 में भी 2022 में भी सेवा का मौका देने के लिए आग्रह करता रहा। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, पर त्रिकोणी मुकाबले में ये बाइलक कहिए, ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती रही। तो इस बार मुझे पूरी आशा है कि जिस इक्वेशन के साथ कांग्रेस पार्टी के बैनर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले मैं इस उपचुनाव में मैदान में उतरा हूं, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि मुझे इस बार उनका प्यार स्नेह जरूर मिलेगा। एक सवाल लगातार बागेश्वर में उठ रहा है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी लगातार दूसरे नंबर पर रहती रही है और बसंत कुमार तीसरे नंबर पर अलग अलग दल से आते रहे हैं, तो ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी मिलकर लड़ने की? क्या इसके पीछे, जैसे कल करण मेहरा ने मंच से कहा भी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, कि बसंत कुमार के वोट और कांग्रेस के वोट मिलकर इतिहास रचेंगे, क्या ये जरूरत आन पड़ी? दोनों खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे, अधूरे महसूस कर रहे थे? नहीं, मैं एक यथार्थवादी व्यक्ति हूँ और यथार्थ में हम कभी भी इस तरीके की चीजों को इस तरीके से देखते नहीं है कि हम पीछे की परिस्थितियों के आधार पर उसका मूल्यांकन करें। मैं एक एग्जाम्पल पेश करना चाहता हूं। आपने देखा होगा, आपकी शायद उम्र मेरे बराबर होगी, तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि जब भारत में कंप्यूटर का आगमन हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जो दो ऐसी राजनीतिक दल थे जो उसका धुर विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्हीं राजनीतिक दलों ने बाद में लैपटॉप और टैबलेट बांटने का काम किया हुआ है। तो स्वाभाविक बात यह है कि जिन परिस्थितियों में हम जिस समय पर होते हैं उन परिस्थितियों के आधार पर हमको निर्णय लेना होता है। आज भारत देश में जिस तरीके की राजनीतिक दल का जो राज चल रहा है पिछले समय से, मैं समझता हूं कि भारत के संविधान को बचाने की भी आवश्यकता है। भारत में जिस तरीके से लोगों को लड़ाकर फूट डालो और राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी, उस नीति के आधार पर एक जो है राजनीतिक ध्रुवीकरण को स्थापित करके सत्ता में बैठकर किसी तरीके से लोगों के मन में द्वेष भाव घोलकर राजनीति की जा रही है, ये देश के भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। मैं समझता हूं कि वह राजनीतिक दल जिसने मात्र 10 साल अभी केंद्र में हुए हैं, होने वाले हैं, और अभी उत्तराखंड में ये 6ठा साल है, तो उसका जो कुलबुलाहट है, जो हम कहते हैं, अगर हम ये कहें कि उसकी जो तीव्रता देखी जा रही है ऐसी, कि ऐसा लग रहा है कि जब से देश आजाद हुआ उन्हीं का राज चल रहा था, बाकी लोगों ने किसी को मैंडेट दिया ही नहीं। लेकिन लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा यह है कि परिवर्तन होना चाहिए और सत्ता के साथ विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष के भी बहुत सारे दायित्व हैं। सत्ता से उनके बनाए हुए कानूनों का जनता के हित में इम्प्लीमेंटेशन करवाना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के साथ अगर आज मैं सदन में जाऊंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपने जो सवाल पूछा है कि आज ऐसी परिस्थिति क्यों आई, ये परिस्थिति आपको भी साफ सुथरी दिख रही होगी कि आज जो है उत्तराखंड प्रदेश की जिस तरीके की परिस्थितियां हैं इस देश में, आज आपको मैं बताऊं, जो विधायक प्रत्याशी जिनका जो एक्सपायर हो गए हैं, बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है, हमारी सहानुभूति उस परिवार के प्रति भी है और उस पुण्य आत्मा को जो है बहुत शांति मिले इस बात के लिए भी हम कहते हैं, लेकिन जो बात चीजें उजागर हुई ये बहुत ही खतरनाक हुई है। इतनी खतरनाक कि उनके जाने के बाद ये पता चलता है कि उन्होंने अपने बेटी को कम मार्क्स के होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी का सिलेक्शन लोक सेवा आयोग से करवाया, इस तरीके के जो उनके ऊपर आरोप लगे। तो मैं समझता हूँ कि मैं भी आने वाले कल में एक लीडर के रूप में अगर
सौभाग्य से जीत जाता हूं, ये दायित्व अगर मेरे सर पे आता है तो मैं बागेश्वर जनता की सेवा करूंगा, अपने बच्चों के हितों के लिए ऐसा कोई घृणित कार्य न करूंगा, ये वचन मैं लेता हूं और इसी शपथ के साथ मैं सदन में बैठूंगा। और मैं आपको बता दूं, वास्तव में राजनीति सेवा का क्षेत्र है और मैं केवल राजनीति में जब से आया हूं, सभी लोग जानते हैं, पूरी बागेश्वर की जनता जानती है कि मेरा उद्देश्य सेवा है और राजनीति सेवा का क्षेत्र है। मैं पूरे मन वचन और कर्म से सेवा पर ही अर्पित रहूंगा और बागेश्वर जनता, बागेश्वर विधानसभा की जनता की सेवा करूंगा। और मैंने इस सेवा को, मैंने जब इस इक्वेशन को देखा कि उत्तराखंड प्रदेश में हम लोगों ने पहले तीसरे विकल्प के रूप में और इससे भी बेहतर सोच के साथ आने का प्रयास किया, लेकिन जब हमने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा, जब हमने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, तो हमने ये देखा कि बागेश्वर विधानसभा का मैंडेट बाय लक किसी ऐसी पार्टी को जा रहा है जिस पार्टी को बागेश्वर विधानसभा की जनता नहीं चाहती है, क्योंकि इसका मेजर पार्ट जो है वो आपस में डिवाइड हो जा रहा है दूसरे दो पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी को उसका जो है बाय लक प्रॉफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है और उससे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। इसके दोषी एक तरीके से कहा जाए तो हम भी हैं। अगर हमने पहले ही इस तरीके की सिचुएशन पैदा कर दी होती कि बागेश्वर का मैंडेट एक पक्ष में जाता, मैं कांग्रेस से अगर चुनाव लड़ गया होता तो ये मैंडेट एक पक्ष में जाता, तो एक प्रतिभावान न होते हुए जिसने अपनी पुत्री को रसूखदार होने के नाते नौकरी देने का काम किया और उनकी पुत्री को, हमारी बच्चों को, हमारे लड़कों को, हमारे बेरोजगार बच्चों को उस प्रतिभा से बाहर करने का काम किया, ऐसा घृणा कृत्य उस लोक सेवा आयोग में नहीं होता। इसके जिम्मेदार हम खुद को भी मानते हैं, लेकिन आगे के लिए हम ये चाहते हैं कि अब बागेश्वर का जो एक्चुअल मैंडेट है वह एक पक्ष में जाए, कांग्रेस का विधायक जीतकर असेंबली में जाए और सदन में विपक्ष की भूमिका को पूर्ण रूप से निभाए। एक पक्ष में जाए, आप कांग्रेस में शामिल हुए और आपका भी ये कहना है, कर्ण मेहरा साहब का भी ये कहना है कि दोनों का वोट एक साथ आ जाएगा, इस पर भी एक सवाल करेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल ये बनता है कि उपचुनाव है चंदन रामदास के चले जाने के बाद, उनकी निधन के बाद एक सहानुभूति की बात आती है, सिंपैथी का एक माहौल पैदा होता है, तो आपकी ये जो लड़ाई है ये उस सहानुभूति से कैसे आप पार पा पाएंगे? और इसके साथ साथ जो बीजेपी का एक नेटवर्क है उसकी अक्सर बात होती है कि कांग्रेस के नेटवर्क के मुकाबले वो बड़ा मजबूत नेटवर्क बना चुकी है, तो आपकी ये लड़ाई बीजेपी से है और जो सहानुभूति का एक माहौल बनता दिखता है उससे है, या फिर आप अपने किसी एक अलग एजेंडे पर, कुछ अलग मुद्दे पर बागेश्वर की जनता से संवाद करने का आगे मन बना रहे हैं अगर अवसर देती है जनता को? देखिए, मैं भी किसी का बेटा हूँ और अगर बात सहानुभूति की जाए तो सहानुभूति हर किसी के साथ रहनी चाहिए, मानवता, इंसानियत, भाईचारा हमारा नेचुरल गुण है, ये होना भी चाहिए। मैं भी किसी का बेटा हूँ और पिछले साल सितंबर के महीने में मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, उनकी भी मृत्यु हुई है और उनका भी सपना था कि मेरा बेटा विधानसभा में जाए और वहाँ पर लोगों के कल्याण के लिए काम करे, पुण्य कमाए, अपने बच्चों के लिए पुण्य कमाए। और मेरी माँ, पिछले फरवरी के महीने में मेरी माँ का ब्रेन हेमरेज ही बागेश्वर में हुआ, मेरी माँ भी बेड रिडन है, मैं भी अपने पारिवारिक परिस्थितियों से जूझ रहा हूँ। किसी परिवार को जिसको चार बार बागेश्वर विधानसभा में बागेश्वर की जनता ने विधायक बनाया हो, उत्तराखंड की असेंबली में उनको मंत्री का पद मिला हो, उनको, उनके परिवार को पारिवारिक रूप से, मतलब परंपरागत तरीके से उनके परिवार को बेनिफिट मिलता रहे, ये तो लोकतंत्र की परिभाषा में कहीं नहीं है। अगर संविधान की यही मंशा है तो फिर ऐसा होना चाहिए, अगर संविधान की ये मंशा नहीं है तो फिर इस बागेश्वर विधानसभा को प्रतिभावान व्यक्ति को, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और है, वो प्रतिभावान व्यक्ति जो डिजर्व करता है उस कुर्सी को, वो कुर्सी उसे जरूर मिलनी चाहिए। एक सवाल ये बनता है कि लगातार चंदन रामदास चार बार चुने गए और उसके बाद अभी उनकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन एक सवाल ये बार बार आ रहा है, जैसे कांग्रेस का भी कहना है और आपका भी कहना है कि बीजेपी अपने सत्ता के विस्तार के लिए बहुत आगे चली गई है, उसकी भूख बढ़ती जा रही है, लगातार ये बीजेपी पे हमला करते हैं, कांग्रेस के भी कई सारे बड़े नेता कहते हैं, लेकिन एक सवाल ये आता है कि अगर बीजेपी अपने विस्तार के लिए एक सिंपैथी को भी माध्यम बनाती है, उस पर आगे बढ़ती है, तो आप लोगों का जो मर्जर है, क्या ये सत्ता के लिए या पद के लिए या फिर एक व्यवस्था में आने के लिए
ये इस तरह का सवाल भी तो उठता है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे लाल किले के प्राचीर से जो बोलते हैं वह तो कम से कम स्थापित रहना चाहिए, मेरी ऐसी धारणा है। मेरा देश का प्रधानमंत्री इतना द्विभाषी नहीं हो सकता है, उसकी करनी और कथनी में फर्क नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि वह पूरे देश में ढोल नगाड़े पीटते हैं बाय द फैमिली, टू द फैमिली और फॉर द फैमिली की जो दूसरी सरकार, दूसरी राजनीतिक दल है वह देश में सत्ता में नहीं आनी चाहिए। अब बागेश्वर में आपको बाय द फैमिली, टू द फैमिली, फॉर द फैमिली नहीं दिख रहा है? आपने प्रधानमंत्री की ही बात न मानने वाले उत्तराखंड की जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ढांचा है वो अपने को, अपने अंतर्मन को क्या जवाब दे रही है? आप जरा उनसे भी सवाल करिए। मैं तो समझता हूं कि बाय द फैमिली, टू द फैमिली और फॉर द फैमिली को सतत न चलाने वाली और ऐसी परंपरा को धुतकारने वाली, दूर करने वाले राजनीतिक दल को आज भी अपना कैंडिडेट बदल देना चाहिए या सरेंडर कर लेना चाहिए। एक सवाल ये बनता है कि ये लगातार बहुत पहले कांग्रेस के पास सीट रही है लगातार, बीच में अब लगातार चार बार से बीजेपी के पास आती है, तो आपको क्या लगता है कि इन लगातार 13-14-15 सालों में बागेश्वर में क्या कमी रह गई और वो कमी आप जो देखते हैं उसको कैसे पूरा करने के बारे में सोचते हैं, सपना क्या देखते हैं? देखिए साहब, बागेश्वर जो है उत्तराखंड की काशी कही जाती है। कई बार हम सोचते हैं गढ़वाल में चार धाम हैं और हमारे पास भी ये बागनाथ नगरी में, इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, इसको बागनाथ धाम कहते हैं और ये धाम हमारा, इस उत्तराखंड में चार धाम हैं तो पांच धाम भी हो सकते हैं, सात धाम भी हो सकते हैं, आठ धाम भी हो सकते हैं। अगर हम बागेश्वर की बात करें, जागेश्वर की बात करें, बैजनाथ की बात करें, तो उत्तराखंड जो दो रीजनों में बटा हुआ है, कुमाऊं और गढ़वाल में, कुमाऊं में भी धार्मिक संस्थान जो प्राकृतिक रूप से उत्तराखंड प्रदेश की धरोहर हैं, जो विश्व की जो है भौगोलिक, अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो विश्व के पर्यटन स्थल के रूप में उभारे जा सकते हैं वह स्थान है। लेकिन आज तक ऐसा काम कोई नहीं हुआ कि हम लोग ये कहें कि उत्तराखंड की काशी घूम के आए, सैन्य धाम बनाने की और उत्तराखंड को धार्मिक स्थल बनाने की बात तो ये करते हैं, धर्म स्टेट बनाने की बात करते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, अगर आप यहां से थोड़ा आगे चले जाएंगे तो चांदी का मुकुट चढ़ा हुआ है हमारे बागेश्वर पे। अगर इस बागेश्वर पे चांदी का मुकुट चढ़ा हुआ है तो उस चांदी को मुकुट को देखने के लिए साल में लाखों जो सैलानी हैं वो आ सकते हैं और इस बागेश्वर क्षेत्र को हम पर्यटन के क्षेत्र में इतने बृहद रूप से डेवलप कर सकते हैं कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। उत्तराखंड प्रदेश की आधी रेवेन्यू का सोर्स ही जो है बागेश्वर जिला बन सकता है। लेकिन कभी इस नजरिए से किसी ने इस बागेश्वर के बारे में सोचा नहीं। बागेश्वर हमारी जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि को हम संवारना चाहते हैं। इससे आगे अगर आप गरुड़ चले जाएंगे इस क्षेत्र में, गरुड़ क्षेत्र में, गरुड़ जैसा मैदानी क्षेत्र आपको, मतलब आपको पहाड़ी क्षेत्र का, हिमालय का और मैदान का, नदियों के संगम का जो यहाँ पर स्वरूप मिलता है वो प्रकृति की सुंदरता, वो नवाजी गई है कुदरत ने हमें, और उसे संवारने का मौका चंदन रामदास जी को चार बार मिलता रहा लेकिन उन्हें वो नहीं संवार पाए। और हमने संकल्प लिया है कि एक एक क्षेत्र बताया है मैंने केवल आपको कि पर्यटन के क्षेत्र में ही इतना सारा डेवलपमेंट किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे अन्य क्षेत्र हैं जो जड़ी बूटी विदोहन की अगर हम बात करें, जंगलों की जड़ी बूटियों के विदोहन की नीति, ये केवल सत्ता में बैठे हुए जो रसूखदार है ना, जो अपने बच्चों की नौकरी भ्रष्टाचार से लगा लेते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिनके आधार पर, जिन रिसोर्सों के, जिन प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर, उन जो रिसोर्स यहाँ पर हैं उनके आधार पर यहीं के क्षेत्र के बच्चों को, यहाँ के बेरोजगार नौकरों को यहाँ रोजगार दिया जा सकता है और यहाँ के क्षेत्र को डेवलप किया जा सकता है। खनिज संपदा से भरपूर, आपने सॉफ्ट स्टोन खड़िया का नाम सुना है? सॉफ्ट स्टोन की यहाँ पर कम से कम 100 माइने हैं, 100 माइन्स हैं, लेकिन सॉफ्ट स्टोन से रिलेटेड एक भी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है। जो आप कोलगेट यूज करते हैं वो सॉफ्ट स्टोन से बनता है, जो आप पेपर लिखने का पेपर यूज करते हैं वो सॉफ्ट स्टोन से बनता है, जितना भी कॉस्मेटिक आइटम है मल्टीपर्पज मिनरल के रूप में सॉफ्ट स्टोन जाना जाता है, लेकिन सॉफ्ट स्टोन यहाँ से कट्टू में पैक होता है कच्चे माल के रूप में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाता है, इवन यहाँ तक कि विदेशों में जाता है, उसी से कोलगेट के डब्बे के अंदर वो, मतलब टूथपेस्ट, सॉरी,
टूथपेस्ट के डब्बे के अंदर वो टूथपेस्ट पैक होकर आता है और उस टूथपेस्ट को आप 50 रुपए में खरीदते हो, तब जाके आप दंत मंजन का काम करते हो, आपका साबुन उससे बन के आता है, आपका पेपर पैक होकर उससे आ रहा है। अगर हम उन रिसोर्सों को देखें और सरकार में बैठकर बेहतर नीति बनाएं और उन इंडस्ट्रियों को हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जैसी इंडस्ट्रियां यहां पर स्थापित कर दी जाएं, तो हमारे बच्चों को दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में जाकर होटलों में या फिर दूसरी जगहों में या फिर क्या कहते हैं आपके कंपनियों में काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। आखिरी सवाल बनता है, नॉमिनेशन से कुछ दिन पहले ही आप कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस में भी कई सारे उम्मीदवार के दावेदार रहे होंगे, तो नए नए परिवार में ठीक ठाक बन रही है, ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, ये अपने व्यवहार पर डिपेंड करता है। आप आए तुरंत, आपके साथ मेरी ठीक ठाक बनी, जबकि इंटरव्यू से पहले भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे की और आपने मुझसे की। अभी चाय नहीं पिला पाया हूं मैं आपको, इसके बाद कोशिश करूंगा मैं चाय मंगाने की। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहता हूं स्व को बदलना ही संसार को बदलने के बराबर है। बिल्कुल, खुद को बदलना ही संसार को बदलने के बराबर है। और इसके साथ साथ बागेश्वर को लेकर कई सारी बातें बसंत कुमार जी कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, वोटिंग और वोटिंग के बाद जब परिणाम आएंगे कि बागेश्वर की जनता क्या फैसला सुनाती है, लेकिन अभी तो बसंत कुमार बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। बागेश्वर से योगेश राणा, जनता टीवी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।